एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिसोर्ट है चित्रकूट के उल्टे तरफ, और उसी के उल्टे तरफ में एक कैंप साइट है ऑलमोस्ट जीरो एक्सपेंस का। चूज इंटेलिजेंटली, कीप चेकिंग, चला जाता हूँ। कार कैंपिंग इंडिया, कार कैंपिंग आपको ऐसे ही होश उड़ा देने वाले लोकेशंस पे ला सकता है, एंड दैट टू इन अ वेरी इनएक्सपेंसिव मैनर। গুড মর্নিং, ঘুম হয়েছে? একদম তোর ঘোড়ায় যেটাকে বলে, जाहिर है कि महाराजों में बहुत सारा जगह है। बहुत आइडियल कार है कार कैंपिंग करने के लिए। जब आपके पास इतना बेहतरीन नदी सामने हो तो आप थोड़ा सा बाल्टी भर का पानी में मुंह क्यों धोगे? लुक एट दिस। यही वो जगह है जहां पे फॉल्स गिर रहा है। लेट चेक। दिस कितना खूबसूरत है ये। सबसे बड़ी बात है कोई नहीं है। टाइगर पॉइंट मेनपट में जो हालत हुआ था इतना भीड़ की वजह से, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। तमड़ा घूमर एक बहुत ही खूबसूरत जगह साबित हुआ है। कार कैंपिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमें कोई डर जैसा चीज़ महसूस ही नहीं हुआ। हमारे साथ फैमिली था, तीन लेडीज़ थे, एंड एक मिनट सेकंड के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम एक एक मोमेंट के लिए भी हम थ्रेटन फील नहीं किए। और यहाँ के जो लोग थे, चार पांच लड़के, हम लोगों को चिकन ऑफ़र किया, उन लोगों ने जो चिकन बनाया था उसको। सो इट वाज गुड, इट वाज वेरी कॉर्डियल। एंड टेंट जो दिया गया था वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था, जो एक्सपेक्टेशन थे। अदरवाइज़ हम लोग बाकी चार जन जो है वो तो कार में ही सोए।
मज़ा आ गया। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर कार कैंपिंग। नोट कर लीजिए, जल्द आने वाला है गूगल में लोकेशन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। আমিটাতে দেখো কফি আর লাগবে কিনা। পিউ এই যে কফি মা খেয়ে নাও। আর একটু লাগবে মনে হয়। হ্যাঁ কফি লাগবে মনেই হচ্ছে, কারণ খুলে দেখো। বাট পাস্তা টেক টাইম। হোয়াইট সস পাস্তা ইট লুকস গুড। টাইম লাগে না এই এ না सब जगह ले लिए मेरे को लेके। चलो ए अपना मुंडिया तीन बार है। तीन बार ये तो बहुत छोरे तीन बार है ना। आज छह बार हो गया। तो दादू जाके नेवा जावा आशा एम कर छ ना। ओ तक तो बेसी है। ओई जनो बेसी है। आगे हमने करते ना ना दादू। आज हम लोग जा रहे हैं बारसिया और फाइनली हमको कैंप करना है चित्रकूट फॉल्स के जस्ट बगल में। देखते रहिए। वंडरफुल खीरा, उससे भी वंडरफुल ये जंगल, और कहीं से एक नदी का आवाज आ रहा है। सातधारा सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्लेस। इतना सारा पानी देखिए, एकदम ग्रीन सा, पूरा रिवर राफ्टिंग जैसा सिचुएशन है। और यहीं पे हम लोग करने वाले हैं स्विमिंग। एक्चुअली नहाना है आज के दिन का। सात धारा शायद इसलिए कहा जाता है कि सात तरह से ये नदी बहती है। ये एक धारा, दो तीन धारा तो हम देख ही रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, जस्ट ब्यूटीफुल।
জলটা সুইট ভেরি সুইট This is the place. ये वो जगह है हम लोग ऊपर में ठहरे हुए थे. This is actually approved by the district administration of Bastar. काफ़ी clean toilet है. ये हम लोग को दिया गया था. इसमें shower है, एक बाल्टी दिया गया था, इवन डेटॉल हैंड वॉश भी दिए गए थे. आई एम इम्प्रेस्ड. कैंप साइट्स अगर ऐसे हो तो एनीबॉडी कैन अवेल दिस फैसिलिटी. उत्सुक हूँ. और ये रहा लाइट. एक देसी कुकिंग सिस्टम भी है इनके पास में, इनकेस आप अगर कैंप करना चाहते हैं बिना किचन सेटअप के. उनका काफ़ी अच्छा खासा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है. देखिए ये सेटअप भी है उनके पास में. इनका फ़ोन नंबर एंड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट. मेरा नाम जेटीआर अंबगेल है. हाँ. ग्राम पंचायत की तीर्थ रहने वाला हूँ. हाँ. ये हम लोगों का समिति एक पर्यटन तौर से बस्तर पर्यटन समिति करके नाम है समिति का, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ. यहाँ पे कैंपिंग करवाते हैं, जैसे बाहर से क्लाइंट आते हैं तो ऑनलाइन बुक अपना अनकपुर बस्तर करके जगदलपुर में ऑफिस है, उसमें ऑनलाइन बुक होता है. तो उन लोग फिर क्लाइंट हम लोगों को देते हैं, तो यहाँ कैंपिंग कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, बोटिंग कराते हैं, फिर खाना खिलाते हैं. सब पैकेज में हो जाता है. बहुत बढ़िया. ठीक है, आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जी ठीक है जी. हमने भी जो फैसिलिटीज़ है वो एक बार कवर कर लिया करें. जी ठीक है, चला जाता हूँ. उनको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. वेलकम सर. ये हमारा आज किचन का सेटअप बन रहा है. और ये रहा हमारा टेंट. भाई और भाई की लड़की यहाँ पे सोने वाला है. और ये हमारा लिविंग रूम है. लुक एट दिस. मैट्रेस ऑलरेडी पच चुकी है, चेयरें ऑन लगने वाली है. और सबसे बड़ी जो बात है वो है ये व्यू. लुक एट दिस. आज बहुत रात को चांद निकलने वाली है भाई साहब, मजा आ जाएगा. जब आपके पास ऐसे सीन हो तब दिल खुश हो जाता है ना. और जब दिल खुश होता है तब क्रिएटिविटी उभर कर आती है एकदम छलाम मार कर. तो मेरी बेटी ने भी वैसे ही हुआ है और वो कुछ सीन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है. एंड में बाद में दिखाएंगे, लेकिन कुल मिला के यही है कि ये सारा क्रेडिट जाता है कार कैंपिंग को. और कार कैंपिंग मतलब चला जाता हूं.
आज मेरा भाई और भाई का लड़का दोनों इज ट्राइंग माई बेड. द बेड इज सेट, देख सकते हो एक ब्यूटीफुल लोकेशन जस्ट बिसाइड चित्रकूट फॉल्स इन जगदलपुर. कमेंट कीजिए मेरी लड़की की ड्राइंग आप लोगों को कैसा लगा. ये ट्यूबलाइट हमें मुहैया कराया गया और देखिए पूरा 2000 स्क्वायर फीट का टेरस हमारे लिए अवेलेबल है. ये टेंट है, वो हमारा लिविंग रूम, ये किचन रूम है एंड द एंटायर अदर प्लेस इज लिविंग रूम. कुछ भी कीजिए, फॉल्स लगभग दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो चुका है, बट खाली आंखों में यू वोंट बिलीव द प्लेस इज लुकिंग लाइक ब्यूटीफुल. उधर के जितने भी होटल्स हैं वो लिट अप हो गए हैं. इट्स गेटिंग अ वेरी सेफ फीलिंग. एक बहुत ही सेफ फीलिंग हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी डर सा तो लग ही नहीं रहा. और कार नीचे है और चार बंदे वहीं पे सोने वाले हैं. यहाँ पे दो लेडीज सोएंगे, सो एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी प्रोटेक्टेड. उन्होंने बहुत क्लीन बाथरूम दिया है हमें और दैट्स इट, किसी को और क्या चाहिए. शाम के बस 8 ही बज रहे थे और हम लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो कुछ धुंधला सा दिख रहा था और उसको जब हम लोगों ने नाइट फोटोग्राफी मोड में आईफोन से उतारा तो देखिए क्या निकला. मिल्की वे, आई कैन बिलीव, आई एब्सोल्युटली कैन बिलीव. आज बनाया जा रहा है अंडा करी, दाल मखनी जो कि रेडीमेड है, पापड़, रोस्टेड पापड़ और राइस. सब लोग सर इस जगह में बैठने वाले हैं. Look at this place. ये फर्स्ट फ्लोर में है. वाह, आज बहुत ही खूबसूरत दाल मक्खनी, थोड़ा सा रेडीमेड है उससे क्या फर्क पड़ता है, और सेका हुआ पापड़. वाह, हाँ, अंडा करी कैंप का सुपरस्टार रेसिपी होता है, सबसे इजी में बन जाता है. आज हम लोग वही खाने वाले हैं. थैंक यू रूपा फॉर ऑल द कुकिंग. उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा. हम सजेस्ट करेंगे ये आप इस इटिनरी को फॉलो कीजिए. शुरू कीजिए ताम्रा घूमर से, देन गो फॉर अ ड्राइव टू बारसूर एंड देन बारसूर से सात धारा होकर कम बैक टू चित्रकूट फॉल्स के ठीक बगल में जो कैंप साइट है उसमें. लाइक शेयर और कमेंट बनता होगा. थैंक यू. सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार. Thank you for watching.